वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रल जो है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने जो पढ़ा होगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ा था, जिसमें हम जो भी आंसर पाते थे वो फैमिली ऑफ कर्व होता था। अब हम पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है एरिया अंडर द कर्व को निकालने के लिए। ठीक है, तो बाकी अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है। इन द प्रीवियस सेक्शन कहता है कि पिछले भाग में वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है अबाउट द इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था एंड डिस्कस फ्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग देम इंक्लूडिंग इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। और हमने ये भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी शामिल किया था कि कुछ स्पेशल प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रल किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन, इस भाग में वी सेल स्टडी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो किसे कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। द डिफिनिट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू। तो जो डिफिनिट इंटीग्रल होती है इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, यानी इसका एक विशेष मान होता है। ए डिफिनिट इंटीग्रल इज जनरेटेड बाय, एक जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ही होता है, एफ एक्स डी एक्स ही होता है, बस यहाँ पर इससे ये वो आ जाती है लिमिट, या कह लो ये इंटरवल आ जाते हैं ए से बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। तो नीचे जो ए लिखा होता है इससे लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा होता है बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल का ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। ठीक है, द डिफिनिट इंटीग्रल इज इंट्रोड्यूस इधर एज द लिमिट ऑफ सम। तो हम इसको परिचित कर सकते हैं या तो लिमिट ऑफ सम से, और इफ इट हैज एन एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो या तो इसे एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ इंटरवल ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। देन इट्स वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एफ एट ए एंड पॉइंट एफ बी माइनस एफ ए। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर उसमें डिफरेंस निकालते हैं दोनों, एक बार अपर लिमिट रखकर और उस फंक्शन का जो आंसर आता है उसमें लोअर लिमिट रखकर उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो ये आपका जो आंसर देता है वो डिफिनिट इंटीग्रल होता है। तो हेयर वी शैल कंसीडर, हम यहाँ पे विचार करेंगे दोज टू केसेस सेपरेटली एंड डिस्कस बिलो। तो दोनों ही प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे जैसे डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, और दूसरा वाला मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ और डिस्कस किया जाए, अभी हम शुरू करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इससे पहले कुछ ज़रूरी बात है उसको देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इवेलुएट करना है यानी इसका मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट एक है, अपर लिमिट दो है, यानी ए टू बी और एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करें ए बी एफ एक्स डी एक्स से, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट हो जाएगा ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू अपर लिमिट दो, और फंक्शन मिल जाएगा आपको एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक मतलब क्या क्या मेथड होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि हम इसका हम जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की लिमिट है 1 to 2, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, यानी ये दिया हुआ है 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे करते आते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 3/3। ठीक है, ऐसे आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और फिर टू लोअर लिमिट 1 to अपर लिमिट 2, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रख के डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी एक्स की जो क्यूब था तो वहाँ पर हम एक बार 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की क्यूब। ठीक है, और डिवाइड में 3, और फिर माइनस कर देंगे एक बार एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 की क्यूब डिवाइड में 3, तो 2 की क्यूब 8/3 और 1 की क्यूब 1 ही रहेगा और 3, तो डिफरेंस करेंगे तो 7/8। तो ये आपका जो आंसर आ गया है ये आपका
एक डिफिनिट वैल्यू है, तो जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है उसका एक जो आंसर आता है वो डिफिनिट होता है, सही है। तो इसमें हम क्या किया स्टेप, तो आपको बिल्कुल रिवाइज कर लेना है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही ये किए जाते हैं। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मान लो क्वेश्चन है 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की क्यूब डिवाइड में 3 और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x और 2 लोअर लिमिट 0 से 2, ठीक है। तो एक बार अपर लिमिट रख देंगे जहाँ जहाँ x है, तो यानी 2 की क्यूब डिवाइड में 3 और प्लस x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो पूरे फंक्शन में एक बार हम 2 पुट कर देंगे और फिर माइनस और एक बार लोअर लिमिट यानी 0 है तो 0 पुट कर देंगे, तो 0 की क्यू डिवाइड में 3 और प्लस 0। तो अब इसे सोल्व करेंगे, 2 की क्यू 8 अपॉन में 3 प्लस 2 और माइनस 0 की क्यू 0 होता है 0/3 0 और प्लस 0 0, ये 0 ही हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 वन जा 3 8 प्लस 3 2 जा 6, तो आपका आंसर जाएगा ये 14/3 आंसर, ठीक है। तो एक तो ये वाला तरीका हमने देखा, अब हम सीखेंगे लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे, तो लेट कर लेंगे एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, एफ ए कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब आप समझते हैं कि अगर हम उसका ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो होता है वो एकदम सीधा एकदम पेंसिल को बिना उठाए खींचा जा सके, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और वो डिफाइन है ऑन क्लोज इंटरवल ए और बी, ये जो डिफाइन होता है इसका डोमेन होता है, ठीक है। तो एज्यूम दैट ऑल द वैल्यू टेकन बाय द फ्रैक्शन आर नॉन नेगेटिव, मान लेते हैं कि इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव है यानी सभी पॉजिटिव होंगी। सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ए कर्व अबो द एक्स एक्सिस, तो क्योंकि सारे भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो इसीलिए जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव वाले पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे अभी चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द डिफिनिट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज द एरिया, ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है ये आपको वो देगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी इस कर्व के द्वारा घेरा गया एरिया देगा और द ऑर्डिनेट जिसका ऑर्डिनेट होगा एक्स के लू ए से बी के बीच और एक्स एक्सिस के बीच। टू इवेलुएट दिस एरिया कंसीडर द रीजन, तो इस क्षेत्र का एरिया निकालने के लिए आपको विचार करना होगा पी आर एस क्यू पी, तो यहाँ से शुरू करें तो पी, यहाँ से करें आर एस क्यू पी, बिटवीन दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए और बी, और ये एरिया होगा इस कर्व के नीचे ये ए से बी के बीच और एक्स एक्सिस के बीच, ठीक है। तो इस कर्व और ये इंटरवल ए से बी और एक्स मतलब एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी का कर्व है ये, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का पूरा एरिया है। इस एरिया को निकालने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा है ये कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, लोअर लिमिट यहाँ दे रखी है एक्स के लू ए और ये अपर लिमिट एक्स बराबर बी और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव ऊपर वाला भाग है, ठीक है। तो डिवाइड द इंटरवल, तो हम डिवाइड करेंगे इंटरवल को क्लोज इंटरवल ए और बी को इनटू एन एन इक्वल सब इन ट्रेवल्स डिनोटेड बाय एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू क्लोज इंटरवल, ऐसे फिर चलता रहेगा और ऐसे ही एक्स इक्वल टू एक बार ए फिर ए प्लस एच ए प्लस टू एच ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंटरवल कर लेंगे एक्स एन तक यानी ए प्लस ए एन, जहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एच, तो वी नोट दैट एच नॉट डिफाइन एच एन एच टेंस टू जीरो। तो हमने अब क्या किया कि हमें इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया चाहिए था, तो ये सीधा साधा तो है नहीं कि सीधा हम एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेंथ से निकाल लें या ये ट्रेंगल या फिर बी से काट के रेक्टेंगल और ट्रेंगल बना लें, वो भी नहीं होगा क्योंकि ये कर्व टेढ़ा सा गोल सा जा रहा है, तो इसीलिए इसके हर भाग का अलग अलग जैसे
टुकड़ों में काट के एरिया जोड़ के निकालना भी संभव नहीं है। तो हमने एक उपाय निकाला कि हमने इसके इतने छोटे 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 ऐसे डंडे खींच दिए, ये भी इतना छोटा खींच दिया कि एच टेंस टू जीरो कि वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसी, फिर ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसी, और बीच में छोटे 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 लाइनें खींच देंगे और इसको इन्फिनिटी तक बांट देंगे। और इन छोटे छोटे रेक्टेंगल को अगर जोड़ देंगे तो इन छोटे छोटे रेक्टेंगल को जोड़कर हम इस एरिया को निकाल लेंगे जो अंडर द कर्व है, ठीक है। तो वो वाली अप्रोच जो है यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पे देखो इंटरवल कितने छोटे बांटे हमने, एक्स नोट से एक्स वन, देखो यहाँ दिखा है एक्स नोट से एक्स वन, फिर क्लोज इंटरवल एक्स वन से एक्स टू, तो एक्स वन से एक्स टू, ऐसी 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 आखिरी में यहाँ तक एक्स एन तक, ठीक है। तो एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक, और एक्स नोट की वैल्यू क्या थी, ए, और उसके अगला थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस एच, एच ना बिल्कुल टेंस टू जीरो है, यानी 0.00001 से भी कम है समझ लो, ठीक है। तो ऐसी फिर एक्स टू लेंगे तो ए प्लस टू एच, ऐसी आखिरी में एक्स आर तक चलेंगे तो ए प्लस आर एच, और ऐसी एक्स एन तक चलेंगे जो कि बिल्कुल बी हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा ए प्लस ए एन, ठीक है। तो अब ए प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो बी माइनस ए, और डिवाइड में एच भेज देंगे तो एन की एलू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एच। तो जहाँ पर एन होगा वो डिनोट करता है नॉट डिफाइन को, यानी इसके अंदर हमने बहुत सारे पार्ट ले लिए हैं, छोटे 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 रेक्टेंगल, और एच टेंस टू लगभग जीरो है, यानी इनके बीच का गैप लगभग ना के बराबर है, ठीक है, बहुत ही कम गैप है, इसीलिए रेक्टेंगल महसूस होगा ये। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और याद करना है, अभी बीच में ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब करने के बाद अब हमें पूरे का एरिया चाहिए। तो अगर हम एरिया चाहते हैं, एरिया ऑफ द रीजन पी एस आर, मतलब पी एस पी आर एस क्यू पी चाहिए, तो हम इंटरवल ए से बी फंक्शन एफ एक्स लेंगे और इसमें लगा देंगे लिमिट हम ना, क्योंकि एच जो है नॉट डिफाइन है, और इसमें लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट ऑफ सम का जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सीधा ये फॉर्मूला पे याद करना है, यहाँ पे ये वाला याद करो चाहे नीचे वाला, तो यहाँ से याद करना है कि जीरो से ए से बी फंक्शन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ ये वाला नीचे वाला ज़्यादा काम करता है, नीचे वाला आपको याद करना है ऊपर वाला नहीं, तो बनेगा बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए लिमिट एच टेंस टू नॉट डिफाइन वन अपॉन एन एफ ए प्लस एफ ब्रैकेट ए प्लस एच प्लस, फिर और आगे चलेगा एफ प्लस ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच, ठीक है, ऐसे, और आखिरी में आपको याद करना है कि एफ ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद और एच, यहाँ तक लेना है, और एच का फॉर्मूला याद करना है बी माइनस ए अपॉन एन टेंस टू जीरो, यानी एच टेंस टू जीरो, और एन जो है वो नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो लिखा है कि द अबोव एक्सप्रेशन, जो ऊपर का एक्सप्रेशन है जो छः नंबर पर लिखा है, इज नोन एज द, इसी को बोलते हैं डिफिनिट डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, तो इसी को बोला जाता है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो था आपको समझाना था, तो इस फॉर्मूले को ही समझाने में इतना वक्त लिया मैंने आपका, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, अब हम सीखेंगे लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आपको फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला आप याद कर लेंगे, ए से बी फंक्शन डी एक्स, इसे छोटा एफ लिखा करो, ठीक है, ऐसे वाला, बराबर ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये फार्मूला याद करना है, लिमिट एन टेंस टू नॉट डिफाइन, फिर लिखना है वन अपॉन एन, फिर क्लोज ब्रैकेट फंक्शन एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस प्लस प्लस, या फिर आगे लिख लो एफ ए प्लस टू एच प्लस ऐसे ऐसे एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है, और इंटरवल बंद, और जहाँ पे लिखना है वेयर एच की वैल्यू होगा बी माइनस ए अपॉन एन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल दो तीन बार रिवाइज कर लें और याद कर लें, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ए की वैल्यू, देखो पर्सन में ए की वैल्यू जीरो दिख रही है, तो ए की वैल्यू जीरो लिख दो, बी की वैल्यू दो लिख दो, ठीक है, फंक्शन लिख लो
फंक्शन आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो हमें क्या क्या रखना है, हमें रखना है, अच्छा हमें ये भी चाहिए, तो h बराबर b माइनस ए, बी की जगह दो माइनस जीरो, एक जगह जीरो अपॉन में n, तो आ जाएगा दो बटा n, ये भी काम आएगा आगे, ठीक है। तो हमने a b और फंक्शन और h ये सब निकाल लेना है, और उसके बाद f a चाहिए, तो फंक्शन में हमें एक f a चाहिए, फिर f a प्लस h चाहिए, फिर f a प्लस 2h चाहिए, ठीक है। ऐसी आखिरी में डेट इस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच चाहिए, ठीक है। तो एक ये तो जीरो ही था, तो एक बार f हम जीरो निकाल लेंगे, फिर एक बार हम f जीरो प्लस h निकाल लेंगे, फिर हम फंक्शन जीरो प्लस 2h निकाल लेंगे। यहाँ पे एक ये जीरो है इसलिए जीरो रख रहे हैं, एक ये 1 2 कुछ होती तो वो रखते, तो f एक जगह जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब फंक्शन क्या था, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन, तो यानी वन आ गया। ऐसे जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आएगा प्लस वन। ऐसे ये दो एच रखेंगे एक्स की जगह, तो क्योंकि जीरो तो ख़त्म हो गया, तो दो एच ही पुट करेंगे यहाँ पे, तो दो एच जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा दो दूनी चार एच का स्क्वायर प्लस वन। ऐसे ये वाला अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा तो एन माइनस वन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वन ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से ये जो वैल्यू आया है एफ ए का वन, इसको यहाँ रख देंगे। ऐसे एफ ए प्लस एच का मान ये आया है यहाँ रख देंगे, ए प्लस टू इसका मान यहाँ रख देंगे, ऐसे डॉट 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 इसकी वैल्यू ये आई है यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अब मैं रख के दिखाता हूँ, तो हम क्या सोल्व कर रहे थे, जीरो से दो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, लिमिट ऑफ सम वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो हमने देखा था फार्मूला कहता है कि b माइनस ए लिखना है, देखो b माइनस ए, b की वैल्यू दो, a की वैल्यू जीरो, तो दो घटा a की वैल्यू जीरो रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दो घटा जीरो, ठीक है, फिर हो जाएगा लिमिट n टेंस टू नॉट डिफाइन और वन अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पर हम रख देंगे f a, a की जगह जीरो, फिर f जीरो प्लस, ठीक है, जीरो प्लस h, फिर ऐसे जीरो प्लस टू एच, और ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर फंक्शन जीरो प्लस लिख देंगे n माइनस वन इंटू एच, ठीक है, यहाँ तक रख देंगे, ठीक है। तो हमने इन सबकी वैल्यू तो निकाली ली है, दो में से जीरो गया दो लिख दो, लिमिट n टेंस टू नॉट डिफाइन वन अपॉन एन, और एफ जीरो की वैल्यू क्या आई थी, देखो एक्स जीरो की वैल्यू वन आई थी, तो यहाँ पे आप लिखोगे वन, ठीक है, प्लस फिर है आपका एफ जीरो प्लस एच, तो हमने देखो जीरो प्लस एच का मान निकाला था, तो एच स्क्वायर प्लस वन आया था, लिखो एच स्क्वायर प्लस वन। फिर ऐसे ही अगला वाला जब हमने देखा था वो आया था फोर एच का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट ही लगा लो, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आया था आपका, यह आया था n माइनस वन का भी स्क्वायर, h का भी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वन ये आया था आपका, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सारी वैल्यू रख दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दो लिमिट h n टेंस टू नॉट डिफाइन वन अपॉन n, और ये वन प्लस वन प्लस वन ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ तक चल रहा है, तो हम यूँ लिख लेंगे कि वन प्लस वन प्लस 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 वन, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एन टर्म्स मान लेंगे, ये एन टर्म्स हैं, और प्लस वन अपॉन, ओ सॉरी, फिर हम यहाँ पे एच स्क्वायर फोर एच स्क्वायर ये सब एच स्क्वायर आ रहा है, तो हम एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बच जाएगा आपका एच स्क्वायर कॉमन लेने पर वन का स्क्वायर, ठीक है, और ये चार जो है ना इसको हम लिख देंगे दो का स्क्वायर, फिर अगला तीन का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आखिरी में एन माइनस वन का होल स्क्वायर तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एन टर्म है, तो लिखेंगे टू लिमिट एन टेंस टू नॉट डिफाइन वन अपॉन एन, इन सब का सम एन ही रहेगा, इसमें एच स्क्वायर कॉमन लिया गया था, तो एक फार्मूला बन गया वन का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर, ऐसे ये चल रहा है फार्मूला, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको एक फार्मूला मेरे साथ याद करना होगा, तो एक फार्मूला होता है
वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऐसे नेचुरल नंबर का सम होता है एन एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है। और एक होता है वन स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर, ठीक है, ऐसी एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है एन, फिर एन प्लस वन, फिर होता है टू एन प्लस वन और डिवाइड में छः। तो ये तो तब होता है जब फॉर्मूला आखिरी में एन तक हो, लेकिन हमारा आखिरी में क्या है, एन माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है। तो आखिरी में एन माइनस वन तक है, तो एन की जगह आ जाएगा एन माइनस वन, यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे दो एन की जगह एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, और डिवाइड में छः। तो ये तो एक से एक कट जाएगा, तो ये एन आगे जाएगा एन एन माइनस वन, ये गुना हो जाएगा तो जाएगा दो एन, ये दो एकम घटा दो प्लस एक, तो यानी प्लस एक ही आएगा, ठीक है, और बटे में छः। तो यानी आपका फॉर्मूला बन गया वन स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर, ऐसी एन माइनस वन का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपका इन सब का सम क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा, तो आ जाएगा ये वाला एन एन माइनस वन और टू एन प्लस वन और डिवाइड में छः, ठीक है, वो ओके, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ही अब थोड़ा सा मैंने सीखना, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, अब यहाँ पे जो ये बाहर n लिखा था, अब हम इसको अंदर भेज देंगे, तो यह जाएगा दो लिमिट n टेंस टू नॉट डिफाइन, ये n अंदर चला जाएगा तो n अपोन n, और ये n इनके भी डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा h स्क्वायर अपोन n, ठीक है। और ये सब है n n माइनस वन टू एन प्लस वन डिवाइड में छः, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है, ठीक है। तो n से n कट जाएगा, अब हम पुट कर देंगे, h की वैल्यू हमने शुरू में क्या निकाली थी, तो याद करो हमने b माइनस ए अपोन एन करके, तो दो घटा जीरो बटा एन करके हमने दो बटा एन निकाली थी। तो हम पुट करेंगे जब एच की वैल्यू, तो टू लिमिट पहले एन टेंस टू नॉट डिफाइन था, अब एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, और ये कट के वन आ जाएगा, और लिख देंगे वन प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर, एच की जगह आ जाएगा दो का स्क्वायर यानी चार, और नीचे एन का स्क्वायर, तो एक एन पहले से था और एन का स्क्वायर और आएगा, तो एन की क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा एन एन माइनस वन और टू एन प्लस वन और सबके डिवाइड में सिक्स, ठीक है। तो हो जाएगा दो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस, इस चार को यही रहने दो, अभी जो एन है ना इनके बटे में डाल दो, तो हो जाएगा चार बटा छः, ये छः इसी के बटे में डाल दो, चार बटा छः, और एन सबके बटे में डाल दो अलग अलग। तो एक बार एन था एन के बटे में एन, एक बार एन माइनस वन था इसके बटे में एन, और एक बार था टू एन प्लस वन तो इसके भी पोन में एन, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सभी एन के बटे में एन पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। अभी कट जाएगा, तो दो लिमिट एच टेंस टू जीरो तो वन प्लस, ये कट जाएगा तो दो बटा तीन, ये कट जाएगा तो वन, और ये दोनों के बटे में एक बार हो जाएगा ये एन अपोन एन घटा वन अपोन एन, और एक बार हो जाएगा दो एन बटा एन और प्लस वन अपोन एन, ठीक है। तो दो लिमिट सॉरी यहाँ पर एन टेंस तो नॉट डिफाइन ही रहने देना है, ठीक है। एन टेंस टू नॉट डिफाइन ही रहने देना है, तो हो जाएगा वन प्लस दो बटा तीन, ये हो जाएगा वन इंटू, ये कट जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस वन अपोन एन, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा टू माइनस वन अपोन एन, ठीक है, ब्रैकेट बाहर। अब हम ना पुट कर देंगे एन की जगह नॉट डिफाइन, ठीक है। तो जैसे वन अपोन मान लो एन है, जहाँ वन अपोन एन है तो वहाँ वन अपोन नॉट डिफाइन यानी जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए जहाँ जहाँ वन अपोन एन है वो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा टू लिमिट एन टेंस टू हट जाएगा जब हम पुट करेंगे तो, ठीक है। तो बचेगा टू इंटू, तो ये बचेगा वन प्लस दो बटा तीन, और ये बचेगा वन इंटू वन, ये तो जीरो हो जाएगा, तो घटा जीरो, और ये दो घटा जीरो, ठीक है।
तो 2 × 1 प्लस 2/3 गुना 1 × 1 और दूनी 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना ये एलसीएम लेंगे 2 × 3 = 4, तो 1 + 2 × 3 = 4/3, तो 2 गुना एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 = 4 = 7/3, तो 7 × 2 = 14/3। तो ये हमने शुरू में भी ऐसा निकाला था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।